हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मी टेक में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आपको एक और वीडियो शेयर करने जा रहा हूं जो कि बहुत ही यूजेबल है और ये नॉलेज वाली बात है। तो नॉलेज वाले वीडियो है, तो मैं ये वीडियो शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप जान पाएंगे कि आपके मोबाइल में कोई हैकिंग सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल नहीं है कि नहीं, कोई हैक तो नहीं किया है ना आपके मोबाइल को। तो आप ये पता कर लेंगे कि अगर आपका मोबाइल कोई हैक किया है तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं, या आजकल ऐसे ऐसे एप्लीकेशन आ रहे हैं जिसे इंस्टॉल कर देने से आपके मेनू में या आइकन में नहीं आता है। जो हैकिंग सॉफ्टवेयर होते हैं बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, जो भी आप प्रोसेस करेंगे, वीडियो चैटिंग, जो भी आप कुछ भी करेंगे, वो आपको डिटेक्ट करते रहता है और इसे आपको मालूम ही नहीं चलता है। तो ये आपके मेन्यू में नहीं दिखता है। तो उसको रिमूव करने के लिए आपको मैं एक बताने जा रहा हूँ, ये वीडियो उसी पे है। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सब्सक्राइब जो पहली बार भी वीडियो देख रहे हैं और जो अभी नए देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे ही अच्छे से ट्रिक्स आपको मैं आपको दिखाता रहूँगा। और दोस्तों, मैं फेक ट्रिक्स नहीं दिखाता हूँ, कोई भी मैं गलत टिप्स और ट्रिक्स नहीं दूंगा कि 100% ही वर्किंग है ये वो, फालतू का मैं ट्रिक्स नहीं देता हूँ। दोस्तों, जो भी मैं दूंगा वो जेन्युइन होगा और आप उसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा और बताइएगा कि देखने के लिए। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने मोबाइल में कैसे पता कर पाएंगे कि आपका मोबाइल हैक किसी ने किया है कि नहीं किया है। उसके लिए सर फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है आपको। एंटी स्पाईवेयर एंड मालवेयर जो आपको प्ले स्टोर में एप्लीकेशन आता है उसको इंस्टॉल करना है। आप प्ले स्टोर में सर्च करेंगे एंटी स्पाईवेयर एंड मालवेयर का, तो सबसे ऊपर ही आएगा ब्लैक कलर का आइकोग्निटो लिखा रहेगा आइकन पे। आप उसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपको मिलेगा, एक्चुअल में मैं ऑलरेडी इंस्टॉल किया हूँ तो इसलिए ओपन का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं ओपन करता हूँ इसको। दोस्तों, ये लोडिंग हो रहा है। ओपन करने के बाद ये लोडिंग हो रहा है और ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल के अंदर अभी देखिए रेड आइकोग्निटो आ रहा है, तो आप नो थैंक्स बोल कर दीजिएगा, या अच्छा लगे तो रेड नाउ भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, अभी इस यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आप स्टार्ट स्कैनिंग का ऑप्शन आ रहा है, जब यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये स्कैनिंग कर रहा है। ये अभी आई थिंक 30 से 40 सेकेंड लेगा या मैक्सिमम 1 मिनट तक लेगा। तो दोस्तों, ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल के अंदर जितने भी फालतू के सॉफ्टवेयर होते हैं, या मालवेयर सॉफ्टवेयर हैं, स्पाईवेयर वाले हैं, या जो हैकिंग सॉफ्टवेयर हैं, वो इसको डिटेक्ट करेगा उसको, और आप यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन भी दे देगा। आप उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको ये मालूम चल जाएगा कि आपके मोबाइल में किसी ने हैकिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है कि नहीं। अगर किया होगा तो ये डिटेक्ट कर लेगा, और नहीं किया होगा तो ब्लैंक दिखाएगा। तो देखते हैं क्या हो रहा है। इसमें आपको हैकिंग सॉफ्टवेयर का जो भी आजकल बहुत सारे आ रहे हैं, आप प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे हैकिंग सॉफ्टवेयर आ रहे हैं जो आपको व्हाट्सएप को हैक कर सकता है, आपके पूरे मोबाइल को हैक कर सकता है। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए ये एप्लीकेशन बनाया गया है। तो दोस्तों, आप इसको एक बार जरूर करिएगा, एक बार इसके करिएगा। कोई ज़्यादा हैवी नहीं है, आई थिंक ये 1.37 MB का है, 1.37 MB का है। ज़्यादा हैवी भी नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा MB भी नहीं है, ज़्यादा आपका डेटा भी खर्च नहीं होगा। तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। देख रहे होंगे आप, ये प्रोग्रेस बार जो है वो चल रहा है, स्कैन कर रहा है। तो अभी आपको इसमें दिखाएगा कि अगर आपके मोबाइल में कोई भी हैकिंग सॉफ्टवेयर है, या किसी ने आपके मोबाइल को हैक कर लिया है कोई एप्लीकेशन के थ्रू, तो इसमें दिखाएगा कि ये एप्लीकेशन है जो आपके मोबाइल में इंस्टॉल है। तो उसमें रिमूव का ऑप्शन भी आता है, आप उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप लोग। सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे ही मैं नए नए ट्रिक्स और टिप्स आपको बताता रहूँगा, जो कि काफ़ी नॉलेजेबल है, आप यूज कर सकते हैं, यूजेबल है। कोई मैं फेक नहीं बताऊँगा, सब जो भी मैं बताऊँगा वो देख रहे हैं, लोडिंग हो रहा है।
उसको थोड़ा वेट कर लीजिए, लोडिंग हो रहा है और ये फाइनल स्टेज पे पहुंचा हुआ है, अभी हो जाएगा। और भी दोस्तों मैं आपको अच्छे अच्छे ट्रिक्स और टिप्स आपको शेयर करता रहूँगा अभी। हाँ तो देखिए दोस्तों, ये हो गया है, कंप्लीट हो गया है स्कैनिंग। तो फिलहाल अभी रिजल्ट में आया है कि एट दिस टाइम नो कमर्शियल स्पाई प्रोडक्ट्स हैव बीन डिटेक्टेड ऑन योर डिवाइस। तो अभी मेरे मोबाइल में कोई ऐसा स्पाई प्रोडक्ट नहीं है, कोई हैकिंग सॉफ्ट एप्लीकेशन नहीं है, इसलिए इसने डिटेक्ट नहीं किया। दोस्तों आप भाई आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, मे बी आप में निकल जाए। तो एक बार ट्राई करना अच्छा है, क्योंकि आपको मालूम ही चल जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।